बहुत बहुत धन्यवाद। सब तो पहला सारू प्यार भरी सत श्रीकाल। अज पंजाब की इंडस्ट्री लई पंजाब के सब तो बड़े करदाता टैक्सपेयर ले हजारां लखां चुल्हियां दे विच अग बालन वाले रोजगार देने वाले इंडस्ट्रियलिस्ट एमएसएमई तो लैके होर बाकी इंडस्ट्रीज दे जिन्ने भी इंडस्ट्रियलिस्ट आए हो सारयां दा इत्थे चलण ते इत्थे आउण ते कल्ले कल्ला चले हुए कदम साडे सिर मत्थे। साडे देश दे बहुत वड्डे अर्थशास्त्री इकोनॉमिस्ट वाइस चेयरमैन नीति आयोग सुमन बेरी जी उन्हां दे कुलीग उन्हां दीआं सज्जियां खब्बियां बाहां डॉक्टर रमेश डॉक्टर सुजीत और खुशखबरी और किस्मत संजोग के तीनों ही पंजाबी ने और जिस तरह की शुद्ध पंजाबी डॉक्टर रमेश चांद जी ने बोली है शायद कुछ लफ्ज़ तो साढ़े लिए भी नवें सी क्योंकि असी भी सैमीनार कह लग गए उन्होंने गोष्ठी किया सो गोष्ठी लफ्ज़ जोड़ा है ये बहुत देर बाद सुनिया है क्योंकि असी सैमीनार या वर्कशॉप कहने लें नाल मिक्स हो गई साड़ी पंजाबी अंग्रेजी। सो उन्होंने मैं खुशी है इस गल की कि उन्होंने जो पॉइंटर्स लिखे वह भी पंजाबी लिखे हुए हैं उन्होंने जोड़े अपने नोट बनाए हैं। सो बड़ी खुशी की गल है कि पंजाबी बहुत वड़िया वड़िया पदवियां ते बैठे ने और उस तो भी ज़्यादा खुशी की गल है कि वो अपने पंजाब लिए कुछ करना चाहते हैं भावें वह विदेशों बैठे ने भावें वह देश के दे बड़े बड़े अहदों से बैठे ने वो अपनी मातृभूमि लिए अपनी मां बोली लिए अपने पंजाब लिए कुछ करना चाहते हैं और साडे लिए सब तो वधिया मौका है कि राजनीतिक लैवल तो या किसी अपने निजी स्वार्थों तो उपर उठ के अपन पंजाब दे वास्ते इहदा फायदा लेना चाहिए कि असी एक पंजाब जिहड़ा वो हमेशा लीडर रहा हर लहर दे विच लीडर रहा चाहे वह आज़ादी की लड़ाई होवे चाहे वह हरा इनकलाब ग्रीन रेवोल्यूशन होवे चाहे जिहड़ी भी पंजाब की ड्यूटी लगे देश वास्ते पंजाब हमेशा निभाउंदा ते पंजाब जिहड़ा वो फस्ट डिफेंस भी है पंजाब देश की क्योंकि 532 किलोमीटर साडा बॉर्डर कल्ले पाकिस्तान नाल है ते साडे पठानकोट तो लैके फाजिलका तक असी BSF दे नाल भी सानू काम करना पै रहा साडी पुलिस नूं उधरों अक्सर आप सुनते हैं कि ड्रोन आते ड्रग्स आते फलां तिमका सो सानू वो चैलेंज भी फेस करना पै रहा। सो पर असी क्योंकि पूरी दुनिया च पंजाबी वसदे आ ग्लोबल सिटीजन आप असी और सक्सैसफुल पंजाबी वसदे आ पूरी दुनिया च जिथे 20-20 घंटे शिफ्टां लाइया काम करन दीआं अज उत्थे वो 200-200, 300-300 बंदियां नूं काम दे रहे ने और खुद भी आना चाहते इतने अपनी कोई मैनू हर रोज़ फोन आते हैं साड़ी पिंड पैली है जी उत्थे हस्पताल बना लो स्कूल बना लो स्टेडियम बना लो असी पंजाब वास्ते कुछ करना चाहते। सो ये जिहड़ी साड़ी भावना है जो सानू गुरुआं पीरां फकीरां तो सानू मिली है कि अपने लिए तो हर कुछ आता है दूसरियां लिए कुछ करना बहुत वड्डी गल है वो पंजाबियों के हिस्से आया। मेरे सामने मेरे दोस्त बैठे ने जिन्हों मैं अक्सर मिलता रहना इंडस्ट्री के मेरे मित्र ने सारे और बेरी साहब हमारी मीटिंग इंडस्ट्री की मीटिंग होती रहती है सबसे बड़ी बात है 90% मीटिंग हमारी तब हुई है जब कोई इलेक्शन नहीं थी। आमतौर पे पॉलिटिशियन जो है वो तभी मिलते जब इलेक्शन आसपास हो लेकिन हम बिना इलेक्शन के भी मिलते रहते हैं और
सुझाव इंडस्ट्रियल पॉलिसी वास्ते, हर एक कलस्टर, हर एक सैक्टर का असी कलस्टर बना रहे, 26 कलस्टर असी आइडेंटिफाई किए, चमड़ा है उच उदे च, टैक्सटाइल है, स्पोर्ट्स है, अलग अलग असी इंडस्ट्रियल कमीशन बना देंगे, उही मैंबर तुसी चुनोगे ताकि सारयां नूं मिलन दी बजाए जे किसी एक सैक्टर की प्रॉब्लम है वो अपने कोले आवे। मेरे तो पहला सारा कुछ दसता, मैं रिपीट नहीं करना चाहता कि MSME दे विच असी नंबर वन हाँ। राज्यसभा दे विच एक सवाल पूछा गया सी, उहदे जवाब दे विच मिनिस्टर साहब ने भी कहा सी सब तो वध रजिस्ट्रेशन जिहड़ियां ने ਉਹ MSME ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। MSME ਸਾਡਾ ਬੇਸ ਹੈ, ਨੀਂਹ ਹੈ ਸਾਡੀ ਨੀਂਹ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਘਰ ਪਾਉਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਮਾਰਤ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇੱਟਾਂ ਦੇ ਭੱਠੇ ਵਾਲੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 1 ਰੁਪਈਆ 2 ਰੁਪਈਆ ਭਾਵੇਂ ਮਹਿੰਗੀ ਲਾ ਲਈ ਇੱਟ, ਪਰ ਦੋਮ ਸੋਮ ਨਾ ਦੇਈਂ, ਮਤਲਬ ਕੁਆਲਿਟੀ ਤੋਂ ਨੀਚੇ ਨਾ ਦੇਈਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਨੀਂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਨੀਂਹ ਵਾਲੀ ਇੱਟ ਜਿੰਨੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਊਗੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਉੱਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਊਗੀ। MSME ਸਾਡੀ ਨੀਂਹ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਫੋਰਨਰ ਵੀ ਚਾਹੀਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ 'ਚੋਂ ਇੰਡਸਟਰੀਲਿਸਟ ਇੱਥੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬ੍ਰਾਂਡ ਅੰਬੈਸਡਰ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇਹੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ, ਮੇਰੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯਕੀਨ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਕਮੈਂਡੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਮਾਹੌਲ ਹੈ, ਕੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੇ। ਜੇ ਇਹ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਆਓ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਕਰਾ ਕੇ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਜੇ ਪਾਰਟ ਆਫ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੋਣਗੇ ਇਹ ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਗੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਯੂਨਿਟ ਸੈੱਟ ਕਰਨ ਨੂੰ, ਨਾਲ ਸਿਸਟਰ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਕਣਕ ਅਤੇ ਗੇਹੂੰ ਔਰ ਚਾਵਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਡਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਡਾ ਯੋਗਦਾਨ 180 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਇਸ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਚਾਵਲ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਚਾਵਲ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਖੁਰਾਕ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ, 99% ਅਸੀਂ ਚਾਵਲ ਦੇਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਕੀਮਤ ਵੀ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਪਈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਵਾਟਰ ਲੈਵਲ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਲੋ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਕ੍ਰੋਪ ਡਾਈਵਰਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵੱਲ ਜਾਂ ਐਗਰੋ ਬੇਸਡ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵੱਲ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਲਰੇਡੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਈਕਲ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਸਾਈਕਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਮਾਲਕ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟਰੈਕਟਰ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੰਬਾਈਨ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈਂਡਲੂਮ ਟੂਲਸ, ਸਾਰਾ ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਕ੍ਰੋਪ ਡਾਈਵਰਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵੱਲ ਵੀ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ, ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਸਾਡੀ ਲੰਬੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸਾਡੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਅਸੀਂ ਉਹ ਉਗਾ ਦਾਂਗੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਬਹੁਤ ਫਰਟਾਈਲ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਚਾਵਲ ਅਤੇ ਗੇਹੂੰ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚੋਂ ਕੱਢੋ, ਅਸੀਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਉਗਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਫਰੂਟਸ ਉਗਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਜੋ ਵੈਲਿਊ ਐਡਿਡ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਮੈਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਦਿੰਦਾ, ਤੁਰਕਮੇਨਿਸਤਾਨ, ਕਜ਼ਾਕਿਸਤਾਨ, ਉਜ਼ਬੇਕਿਸਤਾਨ ਜੋ ਰਸ਼ੀਆ ਦੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਟੁਕੜੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਉਹ ਲੈਟਿਨ ਅਮੈਰੀਕਨ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੰਗਵਾਉਂਦੇ ਆ, ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਤੋਂ, ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਤੋਂ, ਕੋਲੰਬੀਆ, ਜਦਕਿ ਜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਭੇਜਣੀਆਂ ਹੋਣ ਤਾਂ 1.5 ਘੰਟੇ ਦੀ ਫਲਾਈਟ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ 10-12 ਘੰਟਿਆਂ ਦੀ ਫਲਾਈਟ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਸਸਤੀ ਪਊ। ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਡਰਾਈ ਪੋਰਟ ਬਣ ਜੂਗਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਕਾਰਗੋ, ਸਾਡਾ ਮੋਹਾਲੀ ਵਾਲਾ ਕਾਰਗੋ ਚੱਲ ਜੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਹੈ। ਇਸ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਜੋ ਐਕਸਪੋਰਟ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਨੰਬਰ 1 ਸਾਡੇ ਲਈ USA ਹੈ, ਅਮੈਰੀਕਾ, 15% ਅਸੀਂ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ, ਲਗਭਗ $1.03 billion USD। ਸੈਕਿੰਡ ਨੰਬਰ 'ਤੇ UAE $500 million, ਦੈਨ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ $500 million, ਦੈਨ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ $0.39 billion, ਦੈਨ UK $0.37। ਇਹਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਬਹੁਤ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਕੋਈ ਪੋਰਟ ਹੈ ਨਹੀਂ।
पर इहदे लई एफर्ट्स असीं मैं अज वाइस चेयरमैन साहब नाल गल कीती है। रेलवे की जिहड़ी ऑफर सी मैं तुहाडे नाल तां बहुत वारी गल कर चुकिया हूँ कि जे स्टेट अपनी रेलवे सानूं चार ट्रेना आप बाय करन वास्ते सानूं मिल जाण, असीं पंजाब ऑन व्हील्स करके असीं सारयां दा हिस्सा पीपीपी मोड च भावें कर सकते हैं। ट्रैक दा सानूं कहिंदे खर्चा नहीं देवांगे, सानूं नीयरेस्ट सर कांडला पैंदा इत्थों, तां असीं चाहे वह मोंटी कार्लो के कपड़े ने, चाहे वह सोनालीका का ट्रैक्टर है, चाहे वह साइकिल ने, चाहे वह जो भी साढ़े प्रोडक्ट्स ने, उन्होंने असी अपन ट्रेना राही भेजिए तो साढ़े लिए फिर ये कांडला जोड़ा वो नेड़े हो जाएगा। नहीं तो हूँ असी इन्ना ज़्यादा पोर्ट तक पहुँचाने पर इन्ना खर्चा हो जाता कि जोड़ा प्रॉफिट लैवल है वह बहुत थले आ जाता। जिस तरह बासमती, पंजाब की बासमती पूरी दुनिया सब तो बेस्ट मनी गई है, पिछले दिन $1100 होते एक चार्ज लाते सी एक्सपोर्ट के, तो मेरे को बासमती के जेडे इंडस्ट्रिस्ट से जिन्होंने शैलर वाले बासमती वो आए, मैं माननीय गृहमंत्री अमित शाह जी ने गल की कि साड़ी बासमती जाने तैयार है, सब कुछ है साढ़े को, सानू सिर्फ थोड़ा रेट घटा दो। उन्होंने $300 एक टन से घट करता, तो साड़ी जिहड़ी बासमती है वो एक्सपोर्ट हुई। बहुत सारिया असी फसलों पर जो पेस्टिसाइड्स है असी बैन कीतिया ने, जो सानू एक्सपोर्ट करन दे विच दिक्कत आती सी, वो कहिंदे सी ये तुहाडी जिहड़ी है पेस्टिसाइड है, जे ये तुसी छिड़का करोगे असी तुहाडी फसल चाहे समुद्र च सुट्टनी पै जाए, असी लैनी नहीं। सो वो असी इस तरह की क्वालिटी पैदा कर रहे हैं जो वर्ल्ड लैवल पर एक्सैप्टेबल हो। और नाल नाल सर जिस तरह कहा गया कि साडा इन्वेस्ट पंजाब पोर्टल भी है तो दफ्तर भी है, तो असी अब जाते भी रहने, साढ़े को इंडस्ट्रीज आते भी रहते हैं। तो एक असी मैं तुहानू ऑलरेडी दस्या, इन्हां नू पता सारे कि असी जिहड़ा कलर कोडिंग स्टैंप पेपर्स की करके ताकि पैसा स्टक ना रहे इंडस्ट्रीज का, 15 to 20 दिनों के बीच सी एल यू फायर पोल्यूशन फॉरैसट दिया सारिया क्लीयरेंसिस मिल जाए, तो वो अपना जोड़ा उद्योग है अपनी फैक्टरी है वो छेती शुरू कर सके ताकि वह पैसा स्टक ना रहे। ग्रीन स्टैंप पेपर वो असी जोड़ा इंट्रोड्यूस किया, हाउसिंग लिए असी रैड किया ताकि इलीगल कलोनिया या इस तरह का जोड़ा आप वो लोगों की सारी जिंदगी की कमाई एक प्लाट से या घर से लग जाती है, बाद पता लगता है तो इलीगल कलोनी है, तो सरकार को फिरते रहेंगे आप भज जाते हो। सो उन्हों रोकने लिए असी एक मतलब रैड कलर का जोड़ा स्टैंप पेपर है वो वास्ते, दैन जोड़ा नॉर्मल जमीन विकदिया ने खेती तो खेती करने वास्ते वो येलो है, उसकी बहुत वधिया उसका रिस्पोंस आ रहा सर। 150 तो उपर साडे ग्रीन स्टैंप पेपर, ग्रीन स्टैंप पेपर जिहड़े ने ऑलरेडी असीं उत्थे ही रजिस्ट्री करदे हां, असीं साडा तहसीलदार उत्थे ही बैठा, कचहरियां च जाण दी लोड़ नहीं। आम तौर पर तुसीं बहुत वारी सुणिया होना यह लफ्ज़, हर एक स्टेट के कहिंदे सिंगल विंडो सिस्टम कर देंगे जी, असीं भी कहा सिंगल विंडो सिस्टम, पर मैनूं क्योंकि मैं थोड़ा प्रैक्टिकल हाँ, मैनूं पता है सिंगल विंडो तो होंदी है पर उहदे पिछे बहुत विंडो होंदियां, फिर तो एंट्री सिंगल विंडो तो होंदी है पर अंदर विंडोज़ बहुत होंदियां। उहदा असी एक नवा एक रस्ता लभिया, सिंगल विंडो सिंगल पेन, उस विंडो तो उस पेन नाल ही सारे दस्तखत होण, पेन नहीं बदलना चाहिए, विंडो तो सिंगल हो जाती है, पेन बहुत होंदे ने। सो वो पेन के चक्कर के करा के लिया दस्तखत, वो तो करा के लिया दस्तखत, हरेक का पेन, हरेक के पेन की स्याही की डिमांड अलग अलग है, कोई कहता मेरी महंगी स्याही पैंती है, कोई कहता नहीं से स्याही का रेट आ है, ये बहुत दिक्कत है। सो असी हूँ क्योंकि असी जानते हैं इस गलू, असं चाहते हैं कि साड़ी जी इंडस्ट्रियलिस्ट है उन्होंने किसी किस्म की दिक्कत का सामना ना करना पड़े। डॉक्टर रमेश जी ने गल कही कि लेडीज़ की हिस्सेदारी चाहिए है, सर असी एक स्कीम पहला संगरूर डिस्ट्रिक्ट पायलट प्रोजेक्ट किया, हूँ असी इनू सारे पंजाब इंट्रोड्यूस कर लगे हैं, पहल
पहल दे विच की है पिंडां दे विच लेडीज़ नूं असी एप्रीशिएट कर रहे हैं उन्हां नूं सरों की कच्चे तेल की कहानी चप्पलां साबणा होर छोटे छोटे प्रोडक्ट जिहड़े छोटे छोटे मशीनां असी उत्थे दे रहे हैं उन्हां नूं जिवें सिलाई असी 20 मशीनां एक पिंड दे विच दित्तियां पंचायत घर दे विच रखतियां सैल्फ हैल्प ग्रुप बनाते पंजाब दे संगरूर जिले दे सारे सरकारी स्कूलों नूं कहता कि थोड़े बच्चों दी जिहड़ी यूनिफॉर्म ने इत्थे सिलाउण वास्ते दिओ कंप्यूटर ते नाप आ जांदा मशीन घरें भी लेके जा सकती है वो लेडी वो वर्दी जिहड़ी है सिल के आ जाती है पैक होके असी उन्हां स्कूलों नूं तां इह कामयाब रहा तरीका 100 लेडीज़ का ग्रुप सी 1.5 करोड़ की टर्नओवर सी फिर हौली हौली करके असी पूरे पंजाब च लेके जा रहे हैं प्लस पंजाब पुलिस दीयां वर्दियां भी हुण पिंडां दीयां लेडीज़ सिओ रही हैं प्राइवेट स्कूलों ने भी साढ़े कोले आना शुरू करता कि साडियां वर्दियां भी इत्थों ही तुसीं बनाओ एक चाइना की एग्जाम्पल दे दिंदे इस वक्त चाइना के पिंड च कोई भी लेडी वेली नहीं कोई बारबी डॉल बना रही है कोई किसी किस्म का होर प्रोडक्ट बना रही है पिंडां चो बहुत सारा जिहड़ा जिहड़े प्रोडक्ट्स ने वह बन के निकल रहे हैं इस करके करोना तो बाद पता लग्या सारी दुनिया नूं कि असी चाइना ते किन्ने डिपेंडेंट आ फिर थोड़ा थोड़ा अपने आप वल देखण लगे कि आपां भी कुछ कर लिया करिए आपां भी कुछ बनाया करिए सो असी बिल्कुल सही गल है कि जिन्ना चिर तुसीं लेडीज़ नूं सैल्फ इंपलॉयड नहीं करते उन्ना चिर आपां तरक्की वास्ते नहीं सोच सकते साडा ये टीचा है कि जदों तक उहदा हसबैंड उहदा भरा चाहे खेतों चाहे मजदूरी करके चाहे कोई सरकारी नौकरी चाहे प्राइवेट नौकरी करके जब तक घर आवे उदों तक उहदे घरें उहदी मां उहदी भैण वो घट्टो घट 2000-3000 रुपया पर डे घट्टो घट कमा के बैठिया हो ते नहीं तो मतलब सिर्फ डिपेंडेंट रह जाने एको कमाई ते कुछ कोई 19-21 हो जाए चाहे सेहत पक्षों चाहे कोई जिवें करोना आ गया सी जां कोई बेमौसमी बरसात हो जाती है सारा घर की कबीलदारी लीहों लै जाती है सो सर जर्मनी दी चार कंपनियां साडे कोले आए हैं क्लास है जिहड़ी मरिंडे दे नेड़े है वो कंबाइना बनाउंदी है उहदे नाल ही बिल्कुल क्लास दे नाल ही फ्रेडनबर्ग है जिहड़ी मर्सिडीज़ दे सेंसर बनाउंदी है बर्वियो है डॉक्टर मेचांद जी का बड़ा योगदान है वो बर्वियो नूं इत्थे लेके आउण च लहरेगागे दे नेड़े वो पराली तो बायोगैस बनाउंदे इंडियन ऑयल नाल उहनां दा एग्रीमेंट है ते नाल BMW जॉइंट वेंचर दे विच मंडी गोविंदगढ़ आ रहे ने ते सर असी चेकोस्लोवाकिया क्योंकि पहला जीटर ट्रैक्टर सी ये स्कॉडा उन्हां दी है बाटा उन्हां दी है सो चेकोस्लोवाकिया मेरे कोले एंबेसडर आए सी उन्हां दे वो बहुत इंट्रस्टड ने जो एग्रो इंडस्ट्री वल कि असी तुहाडे नाल एग्रीमेंट करना चाहुंदे आ जल्दी असी भारत सरकार की मंजूरी लैके असी उन्हों भी इत्थे लैके आवांगे बाकी एक साडी बहुत वड्डी समस्या यह है सर कि जदों साडी इंडस्ट्री बड़ा वधिया ग्रो कर रही सी तां नाल बदी है बदी नूं टैक्स हैवन बनाता तां साडी जिहड़ी इधरली इंडस्ट्री सी वो बदी वल नूं चली गई ते फिर जदों असी थोड़ा जिहा पैरां ते होण लगे हुण जम्मू बनाता हुण साडा धारीवाल गुरदासपुर बटाला पठानकोट हुशियारपुर गुरदासपुर उन्हां लई 50-60 किलोमीटर है वह उत्थे चले जाते हैं सो सानू कृपा करके उन्हां दे बराबर का स्टेटस जिहड़ा है वह दिता जाए तां कि असी तुहानू फिर कमाल करके दिखावांगे क्योंकि पंजाबी पूरी दुनिया च कामयाब ने असी तो उत्थे भी कामयाब हो जाने जिहड़े मुल्क च गलती नाल भी पहुँच जाने कि चलो कोई गल नहीं चल कहा तो कोई होर मुल्क सी जेंट ने पर जे इत्थे आ गए तो इत्थे ही कामयाब हो जाने कोई गल नहीं सो असी तो अपने मुल्क च कामयाब होना साडे लई कोई बहुता वड्डी गल नहीं ब्लैस्ड धरती है और हार्डवर्किंग लोग ने
ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਜੇ ਕਿਤੇ ਬਾਰਡਰ ਸਟੇਟ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੁਛ ਪੈਕੇਜ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਕੇਜ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਈਜ਼ ਆਫ ਬਿਜ਼ਨਸ ਇੱਥੇ ਕਰ ਸਾਨੂੰ ਹੋ ਜੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜੋ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਇੰਡਸਟਰੀਲਿਸਟ ਇਕੱਲੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਨਹੀਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਵੀ ਬੈਠੇ ਆ, NRI ਬਹੁਤ ਬੈਠੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਅੱਜ ਇਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਇਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜਾ ਪੀਰੀਅਡ ਹੈ ਸਾਡਾ ਸਾਡਾ ਸੋਚ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਹੋਮਵਰਕ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪੀਰੀਅਡ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਉੱਪਰ ਚਲੇ ਗਏ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਵਾਲਾ ਪੀਰੀਅਡ ਆ ਗਿਆ ਸਾਡਾ। ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਪੋਲਿਸੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕਲੋਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਪੁੱਛੇ, ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਪੁੱਛੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸਮੱਸਿਆ ਉੱਥੇ ਹੱਲ ਵੀ ਹੈ, ਜੇ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਤਾਂ ਹੱਲ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਅਸੀਂ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਪਲੋਟ ਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹ 3 ਸਾਲ ਹੀ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ 5 ਕਰਤਾ। ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਸੀਗਾ ਕਿ ਭੱਠੇ ਵਾਲੇ ਸਿਰਫ ਇੰਨੇ ਏਕੜ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਵਧਾ ਤਾ ਜਿੰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਕੋਈ ਬਿਜਲੀ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਕੋਈ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤਾਂ, ਕੋਈ ਥਾਣਾ ਬਣਾਉਣਾ ਕਿਸੇ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਏਰੀਏ 'ਚ ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟ 'ਚ, ਸੋ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਾਡੀ ਸਟੇਟ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਨੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਈਜ਼ੀਲੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਸਰ। ਪਰ ਫੈਡਰਲ ਗੌਰਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜੋ ਥਿੰਕ ਟੈਂਕ ਤੁਸੀਂ ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਡੱਚ ਸੈੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਕਨੋਮਿਸਟ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਗਲੋਬਲੀ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਟਿਪਸ 'ਤੇ ਪਿਆ ਸਰ, ਕੁਛ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਕੁਛ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਸੋ ਪਲੀਜ਼ ਮੈਂ ਇਹੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਕਦੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਆਊਗੀ। ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚਾਹ ਪੀਣ ਵੇਲੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ, ਦਿੱਲੀ ਆ ਜਾਓ, ਸਾਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਓ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੌਸਲੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਛ, ਸਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਰਸਤਾ ਮਿਲ ਜੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਰਸਤੇ ਨੂੰ ਚੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਮੰਜ਼ਿਲਾਂ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਸਾਨੂੰ ਆਉਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੇਹਿੰਮਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬਹਿ ਕੇ ਸ਼ਿਕਵਾ ਕਰਨ ਮੁਕੱਦਰਾਂ ਦਾ, ਬੇਹਿੰਮਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬਹਿ ਕੇ ਸ਼ਿਕਵਾ ਕਰਨ ਮੁਕੱਦਰਾਂ ਦਾ, ਉੱਗਣ ਵਾਲੇ ਉੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਸੀਨਾ ਪਾੜ ਕੇ ਪੱਥਰਾਂ ਦਾ, ਮੰਜ਼ਿਲ ਦੇ ਮੱਥੇ 'ਤੇ ਤਖਤੀ ਲੱਗਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਦੀ, ਜਿਹੜੇ ਘਰੋਂ ਬਣਾ ਕੇ ਤੁਰਦੇ ਨੇ ਨਕਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਸਫ਼ਰਾਂ ਦਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਨਕਸ਼ੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਮੰਜ਼ਿਲਾਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਰਾਸਤਾ ਸਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਿੱਧਾ ਮਿਲ ਜੇ ਤਾਂ ਵੀ ਕੈਨ ਡੂ ਵੰਡਰਸ ਵੰਡਰਸ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗੀ, ਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗੀ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਚਰਚਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਅੱਜ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਕਿ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਸਟੇਟ ਆ ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਧਰਤੀ 'ਚੋਂ ਸੋਨਾ ਖਾਤਾ, ਅਤੇ ਜੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੌਕਾ ਦਿਓਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਨੰਬਰ 1 ਬਣੂੰਗਾ, ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨੰਬਰ 1 ਬਣਾਉਣਾ ਪਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਧਰਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਵੈਸਟਰਨ ਵਰਲਡ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਆਈਏ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਜੀ। ਇਹ ਰੂਟ ਸੀਗਾ, ਸਿਲਕ ਰੂਟ ਸੀਗਾ ਇਹ NH1 ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਲੀ ਲਾਹੌਰ, ਉਹ ਇਰਾਨ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੱਕ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਇਰਾਨ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਪਹਿਲਾਂ ਡਰਾਈ ਫਰੂਟ ਦਾ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਬੜੇ ਬੜੇ ਜਿਹੜੇ ਵਪਾਰ ਚੱਲਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਹਜੇ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਵਾਹਗਾ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਥਰੂ ਟਰੱਕ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਉੱਧਰੋਂ ਇੱਧਰੋਂ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਤਾਂ 15,000 ਤੋਂ 20,000 ਕੁਲੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉੱਥੇ, ਪਰ ਉਹ ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਸਾਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਹਾਰਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜਨੀ ਸੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਫੜੀ, ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਹਾਰਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਬਾਂਹ ਫੜਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਲਾਂਭਾ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੰਦੇ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨੀਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦੇ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਰ ਮਾਣ ਨਾਲ ਉੱਚਾ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ।